2020 जनवरी के अंदर मेरे से तकलीफ़ हुई, वोमिटिंग वगैरह होने लगी। तो उसको सीरियस नहीं लिया, वोमिटिंग खाने पीने में ऐसे ही हो गई होगी, लेकिन वोमिटिंग रुक नहीं रही थी। खाता था तुरंत वोमिटिंग होती थी, चक्कर आने लगता था। तब जयपुर आकर के दिखाए, जयपुर भी मेरा मकान है। डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, डॉक्टर साहब बोले भाई ऐसे तो ट्रीटमेंट करूँगा ना, आपकी बैग स्टोरी कोई भी हो तो बताओ। तब उनको ला करके बैग स्टोरी बताई, तो उसमें जोंडिस के कुछ लक्षण पाए गए मेरे, वो बिगड़ गए थे। और ये मेरे फिर इन्होंने ट्रीटमेंट मेरा चालू किया, फिर रेगुलर 2 साल तक इनके टच में रहा मैं, और जैसा ये बोले वैसे 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 ट्रीटमेंट करता रहा मैं मेरा। फिर भी इन्होंने ये बोला कि मेरे भरोसे मत रहो, अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप और भी जगह दिखा सकते हो, मेरी तरफ से खुला है। इनको पैसे का कोई वो नहीं था कि भाई हमारा पेशेंट है यहाँ ऑपरेशन कराएगा, ये इनके को मन में कोई चीज़ नहीं है ऐसी। फिर भी उन्होंने बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जाकर के वापस आके रिपोर्ट भी किया इनको कि साहब मैं यहाँ जाके आया हूँ, यहाँ दिखा के आया हूँ और ये चीज़ है। तो बोला कोई बात नहीं है, वो आपका मन है। फिर मेरा मनोबल नहीं टूटने दिए। सबसे बड़ी चीज़ थी मेरा मोटिवेट का कि अगर मैं टूट गया तो मेरा ऑपरेशन अटक जाएगा। और मैं 2 बार अनकॉन्शियस हो चुका, जनवरी में और अक्टूबर में, जिसमें मेरे बचने की हालत नहीं रही थी। उस पोजीशन में इन्होंने मेरे को संभाल लिया था। पुरुषोत्तम जी करीब 2 वर्ष पहले हमारे संपर्क में आए थे, तब उनको लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ था और कुछ साल तो ठीक निकले, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से धीरे धीरे उनका जो लिवर है वो फेल होने लगा और कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनको भर्ती होना पड़ा। तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब उनको लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। तो मैंने भी मेरा टेस्ट करवाया था, बेटे का भी करवाया था और मेरे देवर का भी करवाया था, लेकिन सबके प्रॉब्लम आने से नहीं बैठ पाया। फिर मेरी बेटी बोली पापा मैं देऊँगी, और फिर उनके ससुराल वालों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी हाँ कर दी। फिर राहुल सर ने निधि जी से मिलवाया, वो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने सारा प्रोसीजर समझाया। SMS है, NOC लेनी है, ये पेपर तैयार होना है, ये पेपर तैयार होना है, सारा जैसे ये कहे वैसे वैसे मैं करता गया और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स से काम हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा लिख के दे दिया, ये आपका एक्सपेंस जाएगा, ये खर्चा है, ये खर्चा बैठेगा, अप डाउन भी हो सकता है, ये देख लीजिए और आगे इस हिसाब से आपका ये चलेगा। तो उससे भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी, मैं खुश था, एकदम जेन्युइन खर्चे में काम मेरा हो रहा था। कई आदमी भ्रमित करते, मेरे भी किए थे, लेकिन मैं भ्रमित नहीं हुआ था। मेरा यही था, बोला पहला केस है, मतलब पहला कोई तो करेगा ही। और जयपुर में हर फैसिलिटी, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जयपुर में क्यों नहीं हो सकता ट्रांसप्लांट, क्योंकि हमारा फैमिली वहीं पे है। तो मैंने बोला हाँ वहाँ तो अभी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन ये पहला ही ट्रांसप्लांट होगा, आप देख लो विलिंग है क्या। तो बट देवर सो कंटेंटेड विद द अर्लियर मैनेजमेंट एट नारायणा हेल्थ, तो वो इमीडिएटली एग्री कर गए कि नहीं हम वहीं कराएंगे ट्रांसप्लांट। सो उनका ट्रांसप्लांट हुआ वहीं पे, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ। और ये आज 15 दिन के अंदर अंदर छुट्टी पे जा रहे हैं एंड बहुत स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी इस टाइम पे। तो ये एक नारायणा की जो लिवर ट्रांसप्लांट टीम है, जिसमें हेड हैं डॉक्टर संजय गोजा जो कि गुड़गांव नारायणा में हैं, और साथ में बहुत सारे सर्जन जैकेट, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अरुण, साथ में हेपेटोलॉजी। तो एक कम से कम 25-30 लोगों से मिलके ये टीम का गठन हुआ था। ये सब लोग मिलके ये संभव कर पाए कि अब ऐसी सिचुएशन में है कि नारायणा अब रेगुलर लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है, और लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट जो कि एक बहुत जटिल ऑपरेशन में आता है, उसको बहुत सक्सेसफुली कर पाएगा। मैं पहले घबराता था, लेकिन अभी मैं सामने बैठा हूँ, मुझे कोई ये नहीं कह सकता मेरा ऑपरेट हुआ इतना बड़ा, जबकि 16.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। तब से लेके अभी तक 3rd डे मेरे को चला भी दिया, जिस दिन ऑपरेशन हुआ 3rd डे में तो मेरे को बेड पे बैठा दिया उठा के। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी होती है आदमी की। पैसा सब कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को संभालना है। नारायणा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पेशेंट को महत्व देते, पैसे को नहीं है, और स्टाफ का तो कहना ही नहीं है।
स्टाफ तो इतना बेस्ट स्टाफ है, 24 घंटे के लिए अवेलेबल। मेरे को तो महसूस नहीं होता है कि मैं घर में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ अभी तक। पेशेंट और उनकी जो डॉटर हैं, उनके एक उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। और साथ ही ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई है, वो हिम्मत रखें, आगे आएँ, और अगर उनको वो फिट पाए जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए तो वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अच्छा है, कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, और जो मरीज है वो अपना जीवन हमेशा के लिए व्यतीत कर सकता है।